हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं लेखपाल के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 9 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 10वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी शहर में कहाँ पर स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर में क्या स्थित है, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर, सहारनपुर में। तो दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ, उससे पहले आप उत्तर तैयार करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है वह स्थित है झांसी में। ठीक है, झांसी में स्थित है कौन सा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपको याद रखना है यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है वाराणसी में। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे, तो आपको याद रखना है यह संबंधित है हॉकी से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है हॉकी से संबंधित है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि आचार्य नरेंद्र देव बोध विद्या संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। आचार्य नरेंद्र देव बोध विद्या संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है, तो आपको याद रखना है यह है फैजाबाद में। ठीक है, फैजाबाद में है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि श्रीमती अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक प्रदेश के किस नगर में है। श्रीमती अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक प्रदेश के किस नगर में है, तो आपको याद रखना है यह है मथुरा में। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आनंद शुक्ला का संबंध किस खेल से है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आनंद शुक्ला का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है इनका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, किनका संबंध, आनंद शुक्ला का किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत का राष्ट्रपति बना। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नेता है जो भारत का राष्ट्रपति बना, तो आपको याद रखना है वह था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद थे जो उत्तर प्रदेश का नेता भारत का राष्ट्रपति बना था, कौन, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश वार्षिकी का प्रकाशन प्रदेश के किस नगर में होता है। उत्तर प्रदेश वार्षिकी का प्रकाशन प्रदेश के किस नगर में होता है, तो आपको याद रखना है यह होता है लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश वार्षिकी का प्रकाशन प्रदेश के किस नगर में होता है, तो आपको याद रखना है यह होता है लखनऊ में। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपको याद रखना है यह थी सचेता कुपलानी। ठीक है, सचेता कुपलानी थी जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग की दृष्टि से कौन सा जिला अग्रणी है। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग की दृष्टि से कौन सा जिला है जो अग्रणी है, तो आपको याद रखना है मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर ऐसा जिला है जो एल्यूमिनियम उद्योग की दृष्टि से अग्रणी है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है वह है खुर्जा। ठीक है, खुर्जा ऐसा नगर है जो चीनी मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है वह है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी जिला प्रसिद्ध है रेशम और जरी के लिए। अगला देखते हैं।
तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तु का निर्माण होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तु का निर्माण होता है? तो आपको याद रखना है वो है बरेली जिले में। ठीक है, बरेली जिले में बैंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तु का निर्माण होता है। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है कि मेरठ जिले में कृषि उपकरणों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मेरठ जिले में कृषि उपकरणों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह है बड़ौत। ठीक है, बड़ौत है जो कृषि उपकरणों का प्रमुख केंद्र है, कौन सा? बड़ौत। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है, भारत में गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारत में गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम। ठीक, अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर नगर किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर नगर किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है यह प्रसिद्ध है कालीन हस्तशिल्प उद्योग के लिए। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो आपको याद रखना है वह है चूड़ी उद्योग। ठीक है, चूड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है कौन? फिरोजाबाद नगर। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रदेश के किस नगर में स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आपको याद रखना है स्थित है गाजियाबाद में। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है, तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तेल शोधक कारखाना है जो प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है मथुरा में। ठीक है, मथुरा में स्थित है कौन सा कारखाना? तेल शोधक कारखाना। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो आपको याद रखना है यह है कानपुर में। ठीक है, कानपुर नगर में है क्या कृत्रिम अंग निर्माण निगम। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस नगर में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है जगदीशपुर में। ठीक है, जगदीशपुर में स्थित है क्या हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है जो प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है झांसी में। ठीक है, कौन सी फैक्ट्री? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। अगला देखते हैं, तो आपका अगला और अंतिम सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है हस्तिनापुर अभयारण्य। ठीक है, हस्तिनापुर अभयारण्य है जो कौन से जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है मेरठ जिले में स्थित है। तो दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।